हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू टेक्सटाइल कॉम्प्रीहेंशन रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड एट अटैम्प एन वन बाई आंसरिंग द क्वेश्चन दैट फॉलो थर्ड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में होगा द रिवर कावेरी ओपटेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कॉर्क महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस रिवर्स जो महासिर लार्ज फ्रेश वाटर फिश है वो इन रिवर्स में वॉटर्स में आपको मिल सकती है किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच किंग फिशर अपने शिकार के लिए डाइव लगाती हैं वाइल्ड स्कॉयरल्स एंड लंगोर्स ड्रॉप पार्टली इटन फ्रूट जो लंगूर्स एंड स्क्रल्स है वो आधे कट खाए हुए फल खाते हैं फॉर द मिशीफ ऑफ इन्जॉइंग सिर्फ शरारत के लिए एंड शरारत के लिए ऑफ इन्जॉइंग द स्प्लैश स्प्लैश के मजे लेने के लिए एंड रिपल और रिवर रिपर इफेक्ट इन द क्लियर वाटर क्लियर वाटर के अंदर छुपा के जो पानी पे हाथ मारते हैं सिर्फ उसके मज़े लेने के लिए वो छोटे फल जो आधे गिरे हुए आधे खाए हुए फल को ड्रॉप गिरा देते हैं नदी में गिरा देते हैं इट मीन्स वो फल को आधे खाए हुए फल को फल, को फल को खाते हैं फिर वो नदी में गिरा देते हैं ताकि वो रिवर के अंदर जा सके वहाँ पर स्प्लैश कर सके और उसका इन्जॉय कर सि रिपल कर सके एलिफेंट्स एंजॉय बींग बाथ एंड स्क्रब्ड एलिफेंट इंजॉय करते हैं नहलाने का और स्क्रब और रगड़ने का इन द रिवर में बाय देयर महावर्स अपने महावर्त के द्वारा तो ये जो एक्सट्रैक्ट किया गया है ये कुर्क चैप्टर में से लिया गया है तो वॉट इज अ महासिर महासिर क्या है रिवर लेक टेम्पल और लार्ज फ्रेश वाटर फिश तो महासिर लार्ज फ्रेश वॉटर फिश महासिर क्या है लार्ज फ्रेश वाटर फिश तो लार्ज फ्रेश वाटर फिश विच वर्ल्ड और एनिमल इज नॉट मैं यहाँ पे कौन से वर्ल्ड और एनिमल नहीं बताए पिकॉक किंग फिशर लंगोर एंड एलिफेंट देखते हैं पैरा में किंग फिशर आ गया लंगूर है. And, uh, uh, लंगोर है एंड स्क्वायर लंगोर एंड लंगोर लंगोर भी है एंड एलिफेंट एलिफेंट सिंजॉय एलिफेंट इज ऑल्सो देयर तो कौन सा वर्ल्ड नहीं है मिसिंग है पिकॉक स्क्वायर एंजॉय द स्पलैश इन द वॉटर ऑफ द रिवर कावेरी बाय कैसे एंजॉय करती है रिवर में बाथिंग से जंपिंग से थ्रोइंग नट से वट डो किंग फिशर डो किंग फिशर क्या करता है स्वयं डाइव फॉर कैच फ्लाई ओवर द रिवर और सेट ऑन द ट्रीज ऑन द बैंक डाइव फॉर कैच स्क्रब्ड नोट correspond टू स्क्रब स्क्रब किया जाता है जो एलिफेंट को रगड़ा जाता है तो इसका मीनिंग आएगा यहाँ पे स्मूद स्मूद इससे कोरोस्पॉ नहीं करता बाकी ये तीनों वर्ल्ड स्क्रब uh, से मैच करते देन वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन जब मैं रोड पर आया मैंने भागना शुरू किया द आई हैड द नोट एट माई वेस्ट मेरे नोट्स मेरी कमर में थे Held देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई माई पाजामा जो मेरे पाजामे के नाले से बंधे हुए थे आइस लोड डाउन टू अ वॉक मैं धीरे होकर चलने लगा एंड काउंटेड द नोट्स सिक्स हंड्रेड रुपीज़ इन फिफ्टीज पचास पचास रुपये के छः सौ रुपये नोट के छः सौ रुपये थे सिक्स हंड्रेड रुपीज थे आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिचरअप फॉर अ वीक और टू अब मैं इतने पैसे के साथ एक या दो हफ्ते तक ऑयल रिच चरअप जो अरब के ऑयल व्यापारी होते हैं उनकी तरह मोत से रह सकता था तो ये जो एक्स्ट्रैक्ट लिया गया है दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्राम द थीप स्टोरी वेन द नरेटर वॉज ऑन रोड बट डेड यू डू जब नरेटर रोड पे था उसने क्या शुरू किया बाई बिगेन टू रन काउंटेड मनी लवटली बिगेन टू रन फील रन दीफ एट दोट हेड वेस्ट बाय के पास नोट थे कमर में किससे बंधे हुए थे रोप से वायर से स्ट्रिंग ऑफ पैजामा और बैंडेज स्ट्रिंग ऑफ पैजामा वेन द थी काउंटेड द नोट इट वॉज रुपीज सिक्स हंड्रेड वेन द नरेटर से दैट ही नरेटर ने कहा कि वो एक ओल्ड रिचरप की तरह रह सकता था ही मीन्स टू कन्वे दैट ही गेव द पो मोस्ट इंपॉर्टेंस टू तो इसका मतलब है ही मीन्स टू कन्वे मतबी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा था पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट लग्जरी हिज़ फ्यूचर प्लानिंग और ही इज इनडिफरेंट टू मनी तो ही मीन्स टू कन्वे दैट ही गेव द मोस्ट इंपोर्टेंस टू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो किसको दे रहा था अपनी फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग में वो इसको लग रहा था इतने पैसे के साथ मैं इतने समय तक रह सकता हूँ विच विंग नोट कोरोस्पॉन्ड टू स्ट्रिंग मीन्स रस्सी किससे मेल नहीं करती ब्रेसिस करती है ब्रेसिस का मीनिंग भी बांधाना रस्सी होती है ब्रॉप केबल चेक चेक इज राइट आंसर तो ये हमारे एक्स्ट्रैक्ट थे थैंक यू